तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर यहां पर वोट मांगे जाएंगे, क्या है अमित शाह और यहां पर केजरीवाल के लिए नए मुद्दे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कई बड़ी सभाएं भी यहां पर आयोजित की जा रही हैं जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे क्या कहता है दिल्ली का ओपिनियन पोल, किसकी बनने जा रही है सरकार, क्या आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी पर वोट मांगेंगे, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे यहां पर आम आदमी पार्टी। केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है अगर हमने काम किया दिल्ली के अंदर तो हमें वोट दें, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को क्या परेशानी यहां पर आ रही चुनाव दौरान, जिसके दौरान उन्होंने 5 महीने में कई बड़ी ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो 5 साल में नहीं की हैं। ऐसा दावा बीजेपी कर रही है कि 5 साल में नहीं 5 महीने में केजरीवाल ने काम किया है, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसमें कई बड़ी योजनाएं भी हमने देखी हैं कि हाल ही में उनको लागू किया गया है। देखिए सबसे बड़ी वजह है 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम जो सामने आए थे वो बेहद ही चौंकाने वाले थे, जिसमें बीजेपी 56% वोट शेयर मिला था और 7 सीट हासिल की, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। ये ही बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी परेशान कर सकती है। ये ताजा आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, 18% यहाँ पर आम आदमी पार्टी को वोट शेयर गया था, ये आंकड़े लोकसभा के निकल कर आ रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए क्या आंकड़े बनते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ और आंकड़े, 2013 में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें, 2015 में 67, लेकिन 2020 के लिए क्या ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे। जहां पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी लेकिन दिल्ली में क्या मोदी लहर गुम हो गई थी वो भी आपको आके आंकड़े दिखाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ है वोट शेयर में भी, आम आदमी पार्टी 2013 में 29 से बढ़कर 54%, लेकिन 2020 के अंदर कितनी सीटें और कितना वोट शेयर उनको जा सकता है आगे आपको आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले दिल्ली में सभी 70 सीटों पर जो सर्वे किया गया है, मास सर्वे किया गया है, उसके आंकड़े आपको दिखाते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर। देखिए अगर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया है, समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, 33% लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो बड़ी समस्या है पानी को लेकर हो या यहाँ पर प्रदूषण को लेकर हो या ट्रैफिक या गलियों का, जो भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो बड़ी समस्या है उनको लेकर ये सवाल किया गया। बीजेपी 17% और कांग्रेस को 5% यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो समस्या है उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में, सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है दिल्ली में, आखिरकार किस नाम के आधार पर यहाँ पर वोट मांगे जाएंगे, किस बेस पर यहाँ पर वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दो तरफा नुकसान हो सकता है, कांग्रेस भी जमकर उन पर पलटवार करेगी तो बीजेपी तो कर ही रही है। अगर देखें तो विकास के नाम पर 56% यहाँ पर जो मुद्दा है वो है विकास, दिल्ली के अंदर विकास होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमने विकास किया तो हमें वोट दें वरना नहीं दें। अर्थव्यवस्था 31% और सुरक्षा 6% और अन्य जो मुद्दे हैं उनको 7% लोगों ने माना है, ये बड़े मुद्दे दिल्ली के अंदर हो सकते हैं। देखिए अगर और आंकड़े आपको दिखाएं, सीएम की पसंद कौन है, अरविंद केजरीवाल 70%, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर जो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है और वो ही एक बार फिर से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में अब तक बड़ा नाम जो है साफ तौर पर सामने नहीं आया है, यही कारण है कि बीजेपी का जो ग्राफ है वो कम है और हर्षवर्धन 11, अजय मक्खन 7 और मनोज तिवारी 1% लोग मानते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पर आंकड़े बनते हैं वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए पीएम की पसंद कौन है, देश के अंदर जितने भी गतिविधियां अभी तक हमने देखी हैं और जितने बड़े बिल पास हुए हों या जो बड़े मुद्दे हों उनके बाद, ये अगर बात करें तो पीएम की पसंद अब भी मोदी सरकार 62% लोग मानते हैं कि वो देश के पीएम बन सकते हैं आने वाले चुनाव के लिए, और केजरीवाल केवल दिल्ली के अंदर ही उनको लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी पीएम के तौर पर सिर्फ 12%, राहुल गांधी को 8%, अभी भी काफी दूर नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते, क्या केजरीवाल को बदलना चाहते हैं लोग वो भी आप देखिए, 27% लोग मानते हैं कि हाँ उनको बदलना चाहिए, नहीं कहने वाले 71% लोग मानते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सीएम बनेंगे, कहने के 2% लोग हैं। क्या विधायक बदलना चाहते हैं, इसके लिए भी बड़ा सर्वे है, हाँ कहते हैं 39% लोग, नहीं 55% लोग जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो विधायक है उनके साथ हैं,
वो कहते हैं वो विधायक पहले जीते हैं, इस बार भी वो जीत सकते हैं, ये मानना है लोग का, कह नहीं सकते हैं, 6% लोग ऐसे हैं। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे सामने आया है। लेकिन इससे पहले विधानसभाओं के चुनाव बीजेपी को चिंता में डाले हुए हैं, क्या होगा दिल्ली के लिए, बीजेपी और अमित शाह क्या रणनीति यहां पर तैयार करते हैं और इस रणनीति के तहत वो दिल्ली में वापसी कर पाएंगे, क्योंकि 18 साल से सूखी है बीजेपी और जिस प्रकार से यहां पर कांग्रेस का शासन रहा 3 साल, शीला दीक्षित जी यहां पर मुख्यमंत्री रही हैं, इसके बाद अरविंद केजरीवाल, लेकिन बीजेपी काफी समय से यहां पर पीछे है, क्या दिल्ली में वापसी कर पाएगी ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये ओपिनियन पोल आंकड़े बीजेपी के पक्ष में दिखा बिल्कुल नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी को 59 सीटें जा सकती हैं दिल्ली के लिए 2020 के लिए, ये बड़ा सर्वे निकल कर आ रहा है। बीजेपी को सिर्फ 8 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, हालांकि कुछ सीटों का इजाफा हो रहा है लेकिन इतना इजाफा नहीं हो रहा है कि ये दिल्ली में वापसी कर पाए आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अभी काफी समय है और चुनावी प्रचार होंगे और कौन से वादे लेकर यहाँ पर कौन बड़े दिग्गज यहाँ पर मैदान में होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।